नालों पर किए गए अतिक्रमण पर कार्यवाही जारी। स्टार चौराहे के पास अवैध अतिक्रमण को जेसीबी से किया गया ध्वस्त। छह नालों पर अतिक्रमण कर कई जगहों पर स्लैब डाल लिए गए हैं और उन पर इमारतें और निर्माण कार्य भी करा लिए गए हैं, जिसके कारण तेज और लगातार बारिश से नालों से पानी की निकासी हो पाती है और नालों में कूड़ा जमा होने के कारण सफाई नहीं हो पाती, जिससे सड़कों, गलियों और घरों के अलावा बाजार की दुकानों तक में पानी घुस जाता है। कई घंटे के बाद तक निकासी हो पाती है। पिछले दिनों 13 जून को हुई मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर नगर पालिका और प्रशासन की पोल खोल के रख दी है, जिस पर जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने प्रशासनिक अधिकारियों और नगर पालिका टीम के साथ खुद पूरे शहर का निरीक्षण किया था और ऐसी जगहों को चिन्हित कर नगर पालिका में ईओ का चार्ट भी देख रहे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर प्रवीण वर्मा को अतिक्रमण हटाने को निर्देशित किया गया था, जिस पर एसडीएम ने सर्वे कर जगहों को चिन्हित कर दिया, जिसमें शाहबाद गेट पर नगर पालिका द्वारा नाले पर बनाए गए 6 दुकानों को भी ध्वस्त कर दिया गया और इसके अलावा जहां जहां नालों और अन्य जगहों पर अतिक्रमण है वहां लगातार ध्वस्तीकरण का कार्य जारी है। लगातार अतिक्रमण पर कार्यवाही चल रही है और जैसा कि पहले भी हमने बताया था कि 13 जून को जब बरसात हुई थी, जलभराव हुआ था, तो जो हम लोगों ने स्थिति देखी थी, हमारे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब इस समय जो ईओ का भी प्रभार है उनके पास और एसडीएम सदर के रूप में है, उनके द्वारा जो सर्वे कराया गया है और उसमें पाया गया है कि नालों के ऊपर लोगों ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया है, नालों को फाड़ दिया है और जिसके कारण से जल निकासी हो नहीं पाती और जलप्लावन, जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसे सभी नालों को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने की कार्यवाही निरंतर चल रही है और उसी के क्रम में आज हटाया गया है। ये कंटिन्यू चलेगा, नाले को पूरी तरह से मुक्त कराना है ताकि फ्लो नाले का बना रहे।